Hello friends, I am Indu. Welcome to my YouTube channel. Please like, subscribe और share my channel. और आज हम बनाएंगे एक ऐसा natural lip balm जो आपके lips को natural pink बनाएगा और जो भी आपके lips पे darkness होगी उसको भी दूर करेगा. तो चलिए तैयार करते हैं. तो lip balm बनाने के लिए हमें चार ingredients चाहिए. ये मैंने लिया है honey, ये मैंने पतंजलि का लिया है और ये sweet almond oil लिया है मैंने और एक मैंने ली है बीटरूट यानी चुकंदर और एक मैंने लिया है लेमन यानी नींबू. ठीक है, तो पहले मैं चुकंदर को ग्राइंड करूंगी इसे छील कर. तो आप चाहो तो मिक्सर में भी कर सकते हैं. अब मैं एक बाउल लूंगी तो अब मैं छन्नी की हेल्प से इसको हमें लो फ्लेम पे पकाना है, थोड़ा थिक बनाना है. और ऐसे अगर हम इसे पकाते हैं तब भी ये जल्दी खराब भी नहीं होता. तो ये मैंने इसका जूस निकाल लिया है. देखिए ये मेरा वन बीटरूट का निकला है. अब मैं इसको अच्छे से लो फ्लेम पे पकाऊंगी. अब ये मैंने अपने गैस पर रख दिया है. ये हमारा बीटरूट का जूस, इसे लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है. ये थिक बन जाना चाहिए तब तक हम इसे पकाएंगे. ये देखिए ये तैयार होने वाला है और कितना थिक भी हो चुका है. देखिए इसे थोड़ा सा और हम पकाएंगे. इसको चलाना है बीच बीच में. आप देख रहे होंगे इसका कलर भी काफी अच्छा हो गया है और काफी थिक हो गया ये. अब मैं अपनी गैस को बंद कर देती हूँ. अभी देखो ये हमारा जूस है जो बीटरूट का, ये तैयार हो चुका है और काफी इसका कलर जो है बहुत अच्छा लग रहा है. अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर हम अपने लिप बाम तैयार करेंगे. तो गाढ़ा हो गया है, तैयार हो चुका है बिल्कुल. अब हम इसको बनाते हैं अपने लिप बाम को. पहले हम मैं इस बाउल में बनाऊंगी. पहले हम बीटरूट जूस लेंगे. ये देखिए वन और ये टू स्पून मैंने बीटरूट जूस लिया है जो हमने अभी गाढ़ा किया था. अब मैं लेमन काट के इसमें डालूंगी. इसमें कुछ 8 से 10 ड्रॉप्स हम डालेंगे यानी बूंद लेमन. छान के ही आपको दिखाती हूँ. इतनी क्वांटिटी हमें लेमन जूस की चाहिए, आप देख रहे होंगे. ओके, ये हमने लेमन जूस में ऐड कर दिया. अब मैं इसमें स्वीट आलमंड ऑयल इसमें ऐड करूंगी, डालूंगी. ये भी मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही डालूंगी. ये देखिए बस इतना ही इनफ होगा. ये मैंने इसमें डाल दिया. अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड अपना हनी करूंगी. ये देखिए इसे भी थोड़ी सी क्वांटिटी में ही ऐड करना है. ये देखिए ये हनी मैंने इसमें डाल दिया है. अब ये लिप बाम आपके लिप्स को मॉइस्चर भी करेगा और आपकी जो लिप्स पे पिगमेंटेशन है और आपके लिप डार्क हो गए हो किसी भी तरह से लिपस्टिक लगाने से या धूप की वजह से, उन सबको ये उस डार्क लिप्स को बिल्कुल धीरे धीरे खत्म करेगा. तो इसे आप अपना जब भी आपको रात में टाइम मिले रात में लगाइए. अगर
अगर आपको सुबह दोपहर जब भी आपको टाइम मिलता है इसे लगाइए, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। अब मैं इस डिब्बे में देखो ये मैं भर के रख लूंगी, उस डिब्बे में भर के मैं फ्रिज में रखूंगी, इसे फ्रीजर में भर के रखूंगी। ये देखिए ये मैं इसमें डाल लूंगी इस तरीके से। आप किसी भी डिब्बी में या किसी भी कंटेनर में आप भर के रख सकते हैं। तो ये इस डिब्बी में मैं इसे फ्रीजर में रख दूंगी और अपने कॉटन बर्ड से मैं इसे लगाती हूँ। आप चाहे तो आप अपनी फिंगर से भी इसे लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ अपने लिप्स पे। देखिए कॉटन बर्ड्स की हेल्प से मैं अपने जो लिप बाम बनाए हैं ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अगर आपको थोड़ा डार्क शेड चाहिए तो आप इसे दो तीन बार अप्लाई कर सकते हैं, और वैसे ही आप फ्रिज में रखोगे तो ये हल्की डार्क और हो जाएगी। ये देखिए मैं दूसरी बार भी लगा के दिखा रही हूँ आपको, ये थोड़ा डार्क हो गई इस तरीके से। तो आप इस लिप बाम को नाइट में लगा सकते हैं और जब आपको सुबह टाइम मिले तो आप सुबह भी लगा सकते हैं। ये आपके लिप्स को पिंक बनाएगी नेचुरली, लेकिन धीरे धीरे करेगी। ये नहीं कि आज आपने लगाया और आज ही आपके होंठ पिंक हो गए, ऐसा नहीं है। ये नेचुरल रहते हैं तो धीरे धीरे होता है सब कुछ। और ये जो आपके लिप्स डार्क होंगे ये उसको भी खत्म करेगी। तो मेरा चैनल आपको अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी दबाइएगा।